हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे थे और आज का दिन की शुरुआत जो है ना हमारी बहुत लेट हुई है। ऐसे 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है, बट आज मैं उठी हूँ क्योंकि ना कल सुबह को 4 बजे मैं सोई थी, क्योंकि आदू की नींद खुल गई थी 12-1 बजे। उसके बाद तो वो सो ही नहीं रहता, मतलब 2-3 घंटे तो वैसे भी बच्चे जग जाते हैं तो सोते नहीं है, तो उसकी नींद पड़ी है 3-3:30 के आसपास। फिर हम लोग सोए 4 बजे, तो ऐसा रहा हमारा आज, मतलब कल की रात। और यहाँ मैं ले रही हूँ गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस, क्योंकि आज मुझे कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो मैं सोची चलो सुबह अभी इतना लेजी से उठे हैं तो चलो कुछ सिंपल सा करते हैं। अगर आपका भी कभी बिजी स्केड्यूल हो और उसमें कभी कुछ बनाने का ना मन हो ना सुबह में मॉर्निंग ड्रिंक, तो आप ये सिंपली फॉलो कर सकते हैं। गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस ले लेना है और इसको सिप सिप करके पीना है। बाकी जो बचे हुए नींबू के छिलके हैं ना, इसको आप फ्रिज में मतलब कटोरी में डाल के ढक के स्टोर करके रख लीजिएगा, और इसको ना आप कल सुबह यूज़ कर सकते हैं या फिर रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद नाइट ड्रिंक में। वैसे नाइट ड्रिंक में मत ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पेट में गर्मी हो जाएगी, बिकॉज अभी ना समर का सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी अगर इसमें अदरक मिला के पीजिएगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कैसे बनाना है इसका ड्रिंक, ये मैंने डे 1 या डे 2 में दिया हुआ है। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट जाके आप क्लिक करके वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं पानी लेके आ गई थी बालकनी में, और पौधे तो आजकल डेली इतना सूखते हैं ना कि मुझे पानी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ता है। और जैसे मैं पानी दे रही थी ना, तो कबूतर आके यहाँ पे बैठ गया और इतना बीट करता ना, पूरा बालकनी ना पूरा बर्बाद करके रख दिया हुआ है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसे पानी देती हूँ मैं, थोड़ा सा कटोरी में भी डाल देती हूँ तो इन लोगों को हेल्प मिलता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। और इसी बालकनी में बैठ के पानी देने के बाद प्लांट में, और मैं अपना पानी भी इंजॉय कर रही हूँ जो मॉर्निंग ड्रिंक है। अभी आदू भी सोया हुआ है, आदू उठ जाएगा आधे घंटे में, और मिस्टर कुमार उठ गए हुए हैं तो वो अपने काम में बिजी हैं, और ये ख़त्म करने के बाद फिर आदू का काम मेरा शुरू हो जाएगा। मतलब आजकल लगता है 24 घंटे मेरे पास काम ही काम रहते हैं। तो आदू को नाश्ता कराने के बाद मैं अपने लिए कुछ फ्रूट्स कट की हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज मैं खाने वाली हूँ बहुत सारा तरबूज और पपीता, क्योंकि बाज़ार से लाई थी तो सिंपली ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, और फिर वाटर बेस्ड भी होता है तो पानी की कमी भी ऑब्वियसली आपको ये बहुत हेल्प करती है समर टाइम में। तो बस मैंने काट लिया है और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहे हैं। उधर मेरा बेटा खेल रहा है, लेकिन ये ना मुझे बुला रहा था, मैं वहाँ बैठूंगी तो फिर वो अच्छे से खेलेगा, और मैं अगर उसके साथ खेलूंगी तो फिर उसको और ज़्यादा मन लगता है, मतलब उसके पास कोई ना कोई होना चाहिए। 2-4 कमेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं कि आप अपने बेबी का डेली रूटीन शेयर करो, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही मैं आप लोगों के साथ अपने बेबी का डेली रूटीन शेयर करूँगी, और कुछ रेसिपीज़ भी आपको दे दूँगी ताकि हेल्प मिले छोटे बच्चे को कैसे हमें खिलाना चाहिए या फिर क्या खिलाना चाहिए। इस सब में पॉसिबल हुआ तो मैं बहुत जल्दी सरल एग बनाने का दूसरा रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये ना बच्चों का निंजा टेक्निक होता है, मतलब अगर आपको बुलाना होगा बच्चों को या फिर कोई काम आपसे निकलवाना होगा ना, तो वह ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि लास्टली आप मजबूरन वो काम कर लोगे। मैं भी चली जाती हूँ नीचे डाइनिंग टेबल छोड़ के, और यहाँ पे बाबू के साथ खेल भी रही हूँ, साथ ही साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और ना अभी ये बहुत सारी चीज़ें समझने लगा, जैसे ये 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब मैं इसके लिए 2-4 खिलौने ऐसे मंगवाती हूँ जो वो देख सके, और वही वो मतलब मैं बोल बोल के उसको खिलाती रहती हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो इस तरीके से वो ना वो चीज़ें कैप्चर करना स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यही मैंने मंगवाया है क्लॉक वाला, ये गेम है जिससे उसको पुट करना है 1 से लेकर 12 तक, तो ऐसा कुछ है। तो जब मैं इसको बोलती हूँ ना बाबू इसमें से उठा के उसमें रखो, तो वो रखता है वो चीज़ है, तो धीरे धीरे ये साउंड भी वो कैप्चर करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप चाहो मंगवा सकते हो। वैसे प्ले मैट का किसी ने लिंक मांगा था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ से आपको ये प्ले मैट का जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था वहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली। सो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। वैसे जिस दिन अगर आप लेट उठे ना, तो मैंने ये चीज़ देखा है, जिस दिन सुबह उठो उस दिन आपको पूरा दिन अच्छा जाने वाला है और एक फुर्ती सा रहता है शरीर में, और जिस दिन लेट उठोगे ना पूरा दिन ऐसा लगेगा लेजी लेजी सा, आपको मेरा चेहरा से भी पता चल रहा हो थोड़ा बहुत लेजी लेजी सा। वैसे अभी ना मेरा कूरियर आया था, वो इंस्टाग्राम का एक प्रमोशन के लिए,
तो मैं गई थी कुरियर लेने, तो वो भी बाबू को देखना है जो गेट खुला है तो कौन आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गेट खुलते ही उसको बाहर भी जाना होता। पहले तो इतना रोता था कि कुरियर वाले भैया के साथ भी उसको जाना होता था, लेकिन अभी ये चीज़ समझता है कि मतलब वो कुरियर वाले भैया है तो उनके साथ हमें नहीं जाना है। और जैसे हम या फिर कोई मिस्टर कुमार या फिर जो भी घर के लोग होते हैं ना, वो अगर बाहर जा रहे हो तो फिर चिकन चिल्ली मचाता है कि नहीं। और इसको चप्पल से इतना प्यार है ना, ये जहाँ भी रहता है ना मुझे स्लीपर हटा के रखना पड़ता है। वैसे हम लोग घर में अब ज़्यादातर नहीं पहनते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, ये नीचे फर्श पे खेलता है तो स्लीपर हटा के रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी मिल जाता है इसको बहुत प्यार है, उस स्लीपर से ही खेलेगा, उसको उस पैर में पहनना है, हाथ में पहनना है, तो ये चीज़ें मुझे बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है और हटा हटा के रखना पड़ता है। वैसे एक चीज़ मैं न्यू मम्मीज़ को बताना चाहूँगी कि जो भी नई नई माँ बनी है ना, मैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो भी खा रहे हो ना, बेबी को ऑफ़र ज़रूर करना। हो सकता है कई बार वो डिनाई कर दे एंड कई बार वो टेस्ट करे, और उसका ये ज़रूरी है कि वो सब कुछ टेस्ट करे। भले वो बाद में डिसाइड करेगा कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, उसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, बट आप ना स्टार्टिंग से उसको सब कुछ टेस्ट करवाओ। इससे क्या होता है ना, बच्चे बड़े होकर ज़्यादा चूजी नहीं बनते हैं एंड उसको खाना खाने में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। आदू के साथ कुछ देर खेलने के बाद मैं फिर उसको मालिश की हूँ, और मालिश करने के बाद वो सो गया है, तो मैं इधर आ गई हूँ लंच बनाने। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से छोले, लेकिन डाइट वाले, कम तेल मसाले में, बट टेस्टी होना चाहिए। क्योंकि अब डेली डेली ना घिया तोरी ऐसी सब्जी खाने से ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं है हम। अब डाइटिंग एक बीमारी नहीं है, उसको हमें इंजॉय करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है छोले बनाने के लिए उजले वाले, जिसको काबली चना कहते हैं, उसको मैंने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था एंड फिर उसको पानी अलग करके मैंने कुकर में डाल दिया। साथ ही कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 पत्रक, दालचीनी, बड़ी इलायची डाल के, थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के और आधा ग्लास के करीब पानी डाला, फिर कुकर को डाल दिया गैस पे। इसको 4 सीटी आने तक आराम से कुक होने देंगे। इसके बाद कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला सिर्फ 2 चम्मच तेल। खड़े मसाले में हम कुछ नहीं लेने वाले, सिर्फ फ़ौरन में 2 सूखी लाल मिर्च, 2 पत्रक, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालने वाले क्योंकि खड़े मसाले हम बॉयल किए हैं तो हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई पूछ रहे थे हमसे कि आप सिर्फ ग्रीन चिली क्यों खाते हो और रेड चिली क्यों नहीं खाते हो, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्रीन चिली ही खाऊँ, रेड चिली से थोड़ा दूर रहूँ। तो उसके बाद जैसे ही फ़ौरन पक गया ना, 2 सेकंड में पक जाता है, उसके बाद मैंने दरदरा पीसा हुआ प्याज लिया है। आप चाहो तो इसको फाइन पेस्ट भी बना सकते हो, बट मैंने दरदरा ही रखा है। और प्याज को खुले आँच पे ना थोड़ा सा भून लेंगे ब्राउन होने तक। इसके बाद इसमें जो मसाले बेसिक से होते हैं ना वो डालेंगे। सबसे पहले पता है क्या ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम लोग छोले या फिर कुछ अच्छी सब्जी बनाते हैं ना, तो हम लोग तेल और प्याज की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे हमें लगता है कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला, बट ऐसा नहीं कुछ होता है। कभी कभार खाने के लिए ठीक है, बट अगर आप रेगुलर लाइफ में खाते हो ना, तो उतना मसाला और तेल तो वैसे भी इस गर्मी में डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये डेली लाइफ में भी बनाते हो तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो डाइटिंग कर रहे हो वही ये छोले बनाए। मेरे कहने पे ऐसे कभी बना के देखो, सच में बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो मैंने इसमें बेसिक मसाले में लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच छोले मसाला पाउडर। ये मैंने एवरेस्ट का लिया, आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, नहीं तो इसमें गरम मसाला या किचन किंग भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ देर मैंने ढक दिया था ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं रखा हुआ है तो आपको तेल ज़्यादा दिखेगा नहीं। इसके बाद जैसे ही मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, सूख जाता है, वैसे ही मैंने डाल दिया टमाटर की प्यूरी। ये सिर्फ 1 टमाटर है, इसे मैंने पीस लिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सारे ग्राइंडर को इसमें डाल दिया ताकि जो मसाले हैं वो भी साथ साथ जले नहीं। टमाटर डालते ही थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा ताकि टमाटर जल्दी भुन जाता है। और अगर हम आपको प्याज टमाटर की क्वांटिटी बताएं तो छोटे साइज का प्याज लीजिएगा तो 2 ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ या बड़ा साइज़ का प्याज है तो 1 लीजिएगा, मैंने 1 लिया है क्योंकि मेरा मीडियम साइज़ का प्याज था। और अगर टमाटर ले रहा है छोटा साइज़ का 2 ले लीजिएगा, अगर आपका मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ है तो कोई बात नहीं 1 लीजिएगा, मैंने 1 टमाटर और 1 प्याज लिया है। और देखिए मसाला कितना अच्छा सा भुन रहा है। इसको अभी थोड़ा देर और भुनेंगे क्योंकि तेल थोड़ा कम है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको भुनने में, थोड़ा समय देना होगा, बाकी सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप मसाले भून रहे हैं ना, तो उसको लो फ्लेम पर भुनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भुनिएगा। इससे क्या होगा, मसाला जल भी जाएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो मैं इसको एक आध बार ढक के ना ड्राई होने तक भून लूँगी। उसके बाद जो बॉयल किया था ना चना,
उसको इसमें डाल दूंगी। ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा और उसका इसको मिक्स करके बॉयल होने तक इसको पका लीजिएगा। छोले बॉयल करते टाइम जो पानी आपने उसमें रखा था ना, वो सब लेके आपको इस सब्जी में डालना है, उसको फेंकना कहीं भी नहीं है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे नमक कम है टेस्ट करने के बाद, या फिर टेस्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप नमक ऐड कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ लोग कम नमक खाते हैं, तो डिपेंड सबका टेस्ट कैसा है। और उसका इसको बॉयल होने तक हम पका लेंगे। और ये जो जितने खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं ना इसमें, जैसे कि तेज पत्ता और मिर्ची, ये सब हम एक एक करके हटा लेंगे, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता देखने में। और मुँह में आता है जो प्लेट में रहता है ना, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो खाते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड़े मसाले हमारे मुँह में आते रहे और मैं प्लेट से उसको हटाते रहूँ, तो मुझे पसंद नहीं है। और हालांकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी ना, इसको सारे को एक एक करके चुन चुन के हटा लिया है मैंने। उसके बाद इसको ढक के पका लेंगे। तो देख सकते हैं एक अच्छा बॉयल आ चुका है। तो मैं उसमें और तीखा करने के लिए दो हरी मिर्च रखी हूँ, क्योंकि आज मुझे ना पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लग रहा था मैं कितना तीखा खा लूँ। और क्योंकि चना हमारा पका हुआ है तो हमें ज़्यादा इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ग्रेवी ज़रूरत है उतना ही बॉयल करेंगे। उसके बाद दलघोटनी की मदद से ना इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, मतलब पूरा नहीं, इसको हलवा नहीं बनाना है। हल्के हाथों से थोड़ा मैश करने से क्या होगा ना कि ग्रेवी आपका पतला पतला सा, मतलब पानी सा नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग प्याज और टमाटर कम डाले हैं, तो ग्रेवी कहीं से गाढ़ा नहीं होने वाला है। तो हम लोग ये टेक्निक अपना के और ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। और जितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ग्रेवी के, उतना पानी पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें किचन किंग डाल दीजिए फॉर टेस्ट। ये ऑप्शनल है, ये करना है तो कीजिए, नहीं तो इट्स ओके, ये इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। थोड़ा सा मैंने किचन किंग डाल दिया, साथ ही साथ कसूरी मेथी भी डाला है। और ये चीज़ डाल के और अच्छे से चला के गैस को कर दिया है ऑफ, सब्जी को ढक दिया है मैंने। लीजिए जी, हमारा छोला बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप भी सिंपल छोला बना सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे कि चलो ज़्यादा तेल मसाला का सामान नहीं बनाती है करके। होता है ना, बहुत सारे घर में बड़े गुस्सा हो जाते हैं, कितना तेल डालती है, कितना मसाला डालती है। तो ये अब बनाएगा, आपको टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी होगा। तो जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग भी ऐसी सब्जी बना सकते हैं। जब तक उधर सब्जी आपस में सेट होगा ना, तब तक इधर राइस भी बॉयल हो जाएगा। तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था इसको, 5 से 10 मिनट लगेंगे। अभी दिन के बज रहे हैं 2 और आप लोग को पता ही है डाइटिंग में मैंने टाइम बता रखा है। अगर आप लोग नहीं जानते तो इससे पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी 2 बज रहे हैं, अभी हमारा लंच टाइम हो चुका है। तो चलिए लंच देख लेते हैं आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो उसके लिए मैंने लिया है राइस, जो कि सेम क्वांटिटी मैं डेली खाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि एक ही क्वांटिटी फिक्स रखना है आपको खाने का, उससे कम खाना है अगर कभी कम भूख हो तो, ज़्यादा नहीं लेना है। बिना दही हमारा खाना कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो मैंने लिया घर की बनी शुद्ध दही, जो कि मिट्टी के बर्तन में मैंने बनाया था। एक किन्हीं को रेसिपी चाहिए था इसका, मतलब कैसे हम बनाते हैं, जो पानी बहुत कम छूटता है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल इस लंच का आनंद लीजिए और इस तरीके से आप अपना लंच प्रिपेयर कीजिए। सलाद बहुत सारा रखिएगा, अगर आप टमाटर खाते तो वो भी रख लीजिएगा। शाम के टाइम अगर आपको थोड़ी बहुत कभी भूख लग जाती है ना, तो आप ये बना सकते हैं, जैसे काला चना। आजकल ना मेरे घर में चना, मूंग, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके फूलने के लिए कभी कभी डाल देती हूँ, ताकि क्या पता कभी भी भूख लग जाए, कभी सडनली कुछ बनाना हो जाए तो बना सकूँ। तो बस काला चना भी मैंने फूलने को रख दिया था रात को, उसमें थोड़ा सा नमक और आधा गिलास पानी डाल के सीटी लगा लिया है मैंने, 4 विसल लगाया है ताकि अच्छे से वो गल जाए। शाम के नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं चना चाट, जो कि हेल्दी वर्जन है बिल्कुल भी। तो मैंने चना को, जो भी पानी थोड़े बहुत था ना उसको मैंने फेंक दिया, उसमें डाला है मैंने चने में कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। साथ ही साथ एक कटा हुआ, बहुत बारीक कटा हुआ प्याज, उसी के साथ मैंने लिया है 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक। साथ ही साथ थोड़ा सा चाट मसाला, मतलब थोड़ा सा नहीं, 1/2 चम्मच बराबर चाट मसाला, ताकि थोड़ा चटपटा होना चाहिए। चुटकी बराबर लाल मिर्च पाउडर एंड 1/2 नींबू का जूस, वो ना क्लिप लेना मेरे से मिस हो गया है, मैंने इसमें 1/2 नींबू का जूस भी डाला है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। और मैंने इसके साथ लिया है ग्रीन टी। लगभग मैं हर डाइट में शाम के टाइम ग्रीन टी ही लेती हूँ, बट ऐसा है ना कि मुझे दूध वाली पत्ती बहुत पसंद है, तो मैं हफ्ते के एक दिन मैं नॉर्मल चाय पीती हूँ, जो कि आज भी मैंने बनाया है, बट मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाया है। मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा सा ले लूँ, लेकिन जब डाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है कि नहीं। और मैं न्यू मॉम के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी कमेंट आया है तो मैं अगेन बताना चाहूँगी,
कि आप 6 महीने 8 महीने तक कुछ मत करना अपने बॉडी के साथ, कोई छेड़छाड़ मत करना, आराम से बेबी के साथ इंजॉय करो। क्योंकि मैंने भी ये सब फॉलो नहीं किया था, मैं भी तब की थी जब मेरा बेबी 9 महीने का हो गया था, उसके बाद जाके मैं ये सब फॉलो करना स्टार्ट की थी। तब तक मेरा पेट वैसा ही लग रहा था जैसे 6-7 महीने का बेबी मैं कैरी कर रही हूँ, तो पेट थोड़ा निकला रहता है, उसके लिए टेंशन मत लेना। जब आपका बेबी धीरे धीरे आपका जैसे ब्रेस्ट फीड कर रहा है ना वो कम कर देना, उसके बाद ये सब स्टार्ट करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते मैं देखिए कि आपने रात के प्रिपरेशन में लग चुकी हूँ। अच्छा, आपकी तरफ इस सब्जी को क्या बोलते हैं? मेरी तरफ पता है इसको क्या बोलते हैं? झिमनी। तो बस आज रात में जो है ना मैं यही बनाने वाली हूँ, और सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मिस्टर कुमार जब बाज़ार में गई थी ना और ये लाने, तो मेरे को बोल रहे हैं ये सब्जी तुमको तभी लेना होगा जब तुम मुझे नहीं खिलाओगी। मैंने बोला अरे ऐसा क्या, ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है यार। तो बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप नहीं खाएगा, आपके लिए नहीं ले रहे, हम अपने लिए ले रहे हैं। तो आज छोला बनाई थी तो उसका बचा हुआ है, तो वो उनका रात को चल जाएगा। रोटी या पराठे जो बोलेंगे मैं बना दूंगी, उसके साथ छोले, लेकिन ये खुद के लिए मैं बना रही हूँ, वो तो खाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए झिमनी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे पसंद लगता है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही बनाया है, और ये गल के और कम हो जाता है। तो जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे खाना है उतना हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से छील लिया है और साफ पानी से धो लिया है। अब चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लंबा गोल या फिर मोटा पतला कुछ भी। इसको सिर्फ गलाना ही होता है नमक और हल्दी देके, और बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत कम तेल में भी आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे खाना था तो मैंने और कम तेल लिया है, और सब्जी भी कम ही है तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल लिया है। उसमें डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। अब क्योंकि किसी ने मुझे बोल दिया कि हर सब्जी में आप ग्रीन चिली खाते हो, तो मैंने सोचा चलो आज की सारी रेसिपी में ना हमें सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। लेकिन देखिए मैंने फिर भी छोले में 2 ग्रीन चिली डाला ही डाला है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत पसंद आता है हरी मिर्च। इस सब्जी में ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, जैसे ही फ़ौरन थोड़ा करक जाए ना उसके बाद इसमें सब्जी डाल दीजिएगा अच्छे से चला के। मसाले में ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अब ढक देंगे लो फ्लेम पे ताकि ये गल जाए। और जब ये गल जाएगा ना उसके बाद इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, क्योंकि नमक भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल होगा बिकॉज ये ग्रीन सब्जी है और गल के वैसे भी कम हो जाती है, तो नमक का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो लीजिए जी, हमारा डिनर भी बनके रेडी हो चुका है। तो सब्जी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सिंपल और टेस्टी सब्जी प्रिपेयर करना है रात के डिनर के लिए। तो अब चल लेते हैं रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो रोटी फटाफट गर्मा गर्म रोटी के साथ, ये सब्जी बहुत टेस्टी लगने वाला है। और आपको पता है एक कमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि आप इस भ्रम से ऊपर आ जाइए कि गैस के फ्लेम पे रोटी फुलाने से, रोटी को पकाने से कोई बीमारी जैसा चीज़ होता है, अगर ऐसा होता तो हर रेस्टोरेंट और ढाबा बंद हो जाता। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें रेस्टोरेंट में यूज़ की जाती है जो हम घर में नहीं यूज़ करते, इसीलिए कहते हैं कि घर का खाना प्रेफर करना चाहिए। रेस्टोरेंट कभी कभी के लिए ही बेस्ट होता है। आप अगर ऑलवेज खाओ ना, जैसे घर पर आप खाना खाते हो वैसे रेस्टोरेंट में खाओ, तो आपको डाइजेशन में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो और वैसे भी ढाबे में ना तंदूर का इस्तेमाल करते हैं, कोयला गुठलियों का यूज़ करते हैं। तो आप अगर घर पे चूल्हे पे खाना बना रहे हो उन मिट्टी वाले चूल्हे पे जिस पे आप कोयला और गुठलियाँ लकड़ी का यूज़ करते हो, तो उसमें आप फुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट WHO ना गैस वालों के लिए दिया है। आप लोगों से बातें करते इधर देखिए हमारा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसके साथ 1 रोटी खा सकते हैं या 2 रोटी भी ले सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके भूख पे। अब चलिए एज यूजुअल नाइट ड्रिंक बना लेते हैं, जो कि मेरा अजवाइन वाटर ही होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने लिया है 1 कप पानी। दूसरी तरफ मैं ना कल सुबह के लिए अपना ड्रिंक प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 चम्मच मेथी लिया है, जिसमें 1/2 ग्लास पानी रख के और ढक करके इसको फूलने के लिए रख देंगे। ये हम कल आपको बताएंगे कि इस ड्रिंक को हम कल कैसे पीने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। तब तक इधर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। जो लोग न्यू मॉम है ना, आपका बेबी छोटा है ना, तो अजवाइन वाटर पी सकते हो, आपके बेबी के डाइजेशन में भी ठीक रहेगा और आपका भी डाइजेशन ठीक रहेगा। ये तो मैं बहुत पहले से पी रही हूँ, तो ऐसे कभी कभी स्किप भी कर देती थी, ऐसा नहीं है कि डेली पीना होता था।
तो कभी मन हुआ तो पी लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं पिया। तो इधर अजवाइन जो अच्छे से जैसे बॉयल हो जाए ना, उसके बाद गैस को कीजिए ऑफ, और पानी के साथ साथ अजवाइन भी चबा के खा जाना है। ये कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक कि फायदा ही करेगा। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को अजवाइन वाटर के साथ हम खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।